गली गली में पटवारी के माध्यम से सरकार की 13-14 फरवरी की जो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर के ऊपर कायरतापूर्ण किसानों के ऊपर गलत वारदात की गई, उसके विरोध में और ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, जो संपूर्ण भारत बंद के आह्वान पर जिला हिसार के 5 टोलों के ऊपर तमाम हरियाणा का किसान मजदूर ट्रेड यूनियन ने सभी कर्मचारी संगठन और अन्य सभी सामाजिक संस्थाएँ साथ लग करके हमने पूर्ण बंद को समर्थन किया है। आज हमारे इलाके से गांवों से लोग लगभग 25 गांव से यहां पर पहुंचे हैं। इसी प्रकार अन्य चारों टोलों के ऊपर भी चौधरीवास, बाडोपट्टी, बास और लांदड़ी टोल के ऊपर किसानों के जत्थे जमे हुए हैं। कल हमारी सिसाए के अंदर बहुत बड़ी किसानों की महापंचायत हुई, उसके लिए कमेटियां बना करके गाँव के अंदर निकली हुई हैं और 18 तारीख को खेड़ी चौपटा के अंदर बड़ी तादाद में किसान भाई ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर के इकट्ठे होंगे और वहीं पर मौके पर निर्णय लिया जाएगा। हम खनौरी कूच करेंगे, हम शंभू बॉर्डर कूच करेंगे या हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। सरकार की जो आज प्रेजेंट के अंदर नेशनल हाईवे के ऊपर किले गार्ड करके और इतना जबरदस्त जिस प्रकार दूसरे देश के साथ लड़ाई होती है, अपने देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर बनाए जाते हैं और मोर्चे खोदे जाते हैं, इस प्रकार का माहौल किसानों के साथ सूबे की और देश की सरकार ने कर रखा है, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। ये तानाशाही की तरफ ले जाता है ये इशारा सरकार का, और किसान मजदूर का गला घोटने के लिए इन्होंने कसम खा रखी है। इनका मुख्य मकसद है भूमि अधिग्रहण नियम के साथ छेड़छाड़ करना, बिजली अधिनियम लागू करना और भूमि अधिग्रहण 2013 को खारिज करना और 4 लेबर कोड नए लाना। ये दर्शाता देश के किसान और मजदूर को अडानी अमाणी पूंजीपतियों के रहन किया जाए और हम देश की सत्ता के ऊपर तानाशाही
कब्जा कर लें, प्रजातंत्र को यहाँ से खत्म किया जाए और वोटर प्रणाली और संविधान के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर तोड़ मरोड़ करके आरएसएस के आजादी की लड़ाई के टाइम अंग्रेजों का साथ देने वाले लोगों को देशभक्त साबित करने के लिए संविधान के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली की गई है। हम इन कायरतापूर्ण देश की जनता के खिलाफ जो निर्णय हैं इनको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश के संविधान को बचाने के लिए देश का किसान और मजदूर, देश का आवाम अपनी जान की बाजी लगा देगा। देश का किसान और मजदूर 150 करोड़ देश की जनता का पेट भरने का काम करता है। हम किसी की बाप की बपौती नहीं है। मोदी, अमित शाह, हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, निकट भविष्य के अंदर किसान दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली के बॉर्डरों को हम सील करेंगे। हमारी सारी जो मांगे हैं ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा की, जो मैंने अभी अभी आपके सामने गिनवाई, सभी को हूबहू लागू करवा के हम घर वापिस आएंगे। घर ऐसा नहीं होता। अभी 2024 के अंदर इस तानाशाही प्रजातंत्र का गला घोटने वाली ईवीएम के ऊपर और लूट खसोट मचा करके प्रजातंत्र को खत्म करके गलत तरीके से हिटलरशाही तरीके से देश की सत्ता के ऊपर कब्जा करने की जो प्लान है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसके लिए देश के किसान और मजदूर, देश का कमेरा वर्ग ने चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी हमने क्यों न करनी पड़े, आज मैयत टोल को 3 बजे तक हमने पूर्ण रूप से सील कर रखा है। टोल फ्री किए गए हैं। आगे ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा जैसा भी आह्वान करेगा हम रात के 12 बजे भी उसके ऊपर खड़े उतरेंगे। लेकिन इस तानाशाही प्रधानमंत्री और तानाशाही बीजेपी सरकार खट्टर मोदी अमित शाह को पंजे हम नहीं टिकने देंगे, जो कि किसानों के ऊपर इतने खतरनाक तरीके से हमारे 1000 से ज़्यादा किसान भाइयों को शंभू के अंदर और खनौरी के अंदर घायल कर दिया गया और केमिकल युक्त पानी से पानी की बौछारें मारी गई। जिस किसान मजदूर के आँखों में वो पानी के छींटे लग गए उसकी आँखों की रोशनी खत्म हो गई और जो प्लास्टिक की गोलियां ड्रोन के द्वारा दागी जा रही है वो देश के आम नागरिक के ऊपर बैन है। ये संविधान के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है, ये देश की आम जनता के अधिकारों का हनन है। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। निकट भविष्य के अंदर देश के किसान मजदूर, देश की तमाम ट्रेड यूनियनें, देश का तमाम कमेरा वर्ग इकट्ठा होकर के इन गुंडे तानाशाही बीजेपी और आरएसएस के जो हुक्मरान ने बने हुए हैं सड़कों के ऊपर दौड़ा दौड़ा करके पीटेंगे। रोजाना किसान पीटने के लिए नहीं पैदा हुए, अपनी माँ ने पैदा नहीं किए और गोली खाने के लिए पैदा नहीं किए। हम गोली मारना भी जानते हैं, हम पीटना नहीं जानते, हम पीटना भी जानते हैं। क्या प्रोग्राम था और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, एमएसपी की मांग को लेके शंभू बॉर्डर में जो पंजाब के जो हमारे किसान है और उनके साथ जिस प्रकार से निर्दयतापूर्ण व्यवहार हुआ, ऊपर से ड्रोन से भी आंसू गैस छोड़े गए, लाठी चार्ज किए गए, उसकी आज सभी साथियों ने यहाँ ट्रैक्टर मार्च निकाल के कड़ी निंदा की और विरोध जताया है। और ये तो अभी मात्र शुरुआत है। आपने देखा परसों टोल बंद हुआ था, यहाँ मोरवाड़ा टोल भी बंद हुआ, लाट बारवास वाला टोल भी बंद हुआ, कितलाना टोल पे प्रदर्शन हुआ। तो यहाँ के किसान और मजदूरों ने ये दिखा दिया कि अगर सरकार अपनी इस तरह की कार्रवाई से पीछे नहीं हटती तो लगातार जो किसान और मजदूर अपनी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। और ये तो मात्र शुरुआत है, इससे आगे भी बढ़ने से गुरेज नहीं करेंगे। देख, ज्ञापन में एमएसपी की मांग के साथ जो क्योंकि पिछली फसल का मुआवजा भी बाकी है उसकी बात भी रखी गई है। इसके साथ में जिन अधिकारियों, देखिए क्योंकि अधिकारी जो है ऊपर के आदेश के बगैर तो कोई काम करते नहीं है। जिस प्रकार शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पे खड्डे खोदे गए, जिस प्रकार की कील गाड़ी गई है, लोकतंत्र का एक तरीके से हत्या। और यही वजह है कि हाईकोर्ट को भी टिप्पणी करनी पड़ी कि जो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे हैं किसान, आप रास्ता किस लिए रोक रहे हो? क्योंकि पंजाब पुलिस ने जब नहीं रोका तो हरियाणा पुलिस की किसकी सह पे कार्रवाई कर रही है? तो उसकी भी आज कड़ी निंदा की गई है। और जिनने उन्हें भी ये आदेश दिए हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किए जाए और उनको अंदर दिया जाए। यही
प्रशासन तो गांव गांव में गली गली में पटवारी के माध्यम से।